लखीमपुर तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते आशीष मिश्रा की रिहाई में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। 9 अक्टूबर 2021 से लखीमपुर जिले में बंद आशीष मिश्रा के घर पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के अलावा घर पर कोई मौजूद नहीं। बताया गया पूरा परिवार उनके पैतृक गांव बनवीरपुर में है। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी कानूनी पेचीदगियों के चलते आशीष मिश्रा की रिहाई में थोड़ा वक्त और लग सकता है। हम इस समय पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लखीमपुर स्थित आवास पर मौजूद हैं। ये उनका घर है, ये अजय मिश्रा का घर है, यहीं पर उनका पूरा परिवार रहता है। मूलतः लखीमपुर के बनवीरपुर जो गाँव है वहाँ के रहने वाला है परिवार वहाँ पर गया हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी वहीं पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अभी कैमरे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं हुए कि उनके बेटे को आखिर जमानत मिल गई है। जो चूंकि गृह राज्य मंत्री हैं, लिहाजा जो सिक्योरिटी है पूरे घर की वो बरकरार है, पुलिसकर्मी तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया था, तभी से आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में बंद हैं। अब जब जमानत हो गई है, लेकिन उस जमानत के ऑर्डर में, बेल ऑर्डर में 302 और 120 बी की धाराएं नहीं शामिल की गई हैं, जिसको कि उनके वकील के द्वारा कहा जा रहा है कि करेक्शन करा करके नया ऑर्डर जारी होगा और तब आशीष मिश्रा की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आशीष मिश्रा की ऐन चुनाव के वक्त में रिहाई के तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2021 को देर शाम लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा को तिकुनिया हिंसा मामले में आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत तो दे दी है, लेकिन हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर में हत्या के आरोप की धारा 302 और साजिश रचने की धारा 120 बी नहीं लिखी है। दरअसल लखीमपुर हिंसा मामले में लखीमपुर पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 व 120 बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को जिन धाराओं में जमानत दी है, बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326, 427/34 और 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमबी एक्ट है। बेल ऑर्डर में 302, 120 बी नहीं मेंशन की हुई है। इन दोनों धाराओं को नहीं लिखे होने से जब आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश जेल पहुंचेगा तो जेल आशीष मिश्रा को रिहा करने से मना कर देगी। इस कानून को समझाते हुए ही आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह कहते हैं कि हम हाईकोर्ट में करेक्शन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। जब तक हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर में ये धाराएं नहीं लिखी गई होंगी तब तक आशीष मिश्रा की रिहाई की कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी और ना ही आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो सकेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि आशीष मिश्रा सोमवार या उसके बाद ही जेल से रिहा हो सकेगा। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। किन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की, हमारे साथ बात करने के लिए आशीष मिश्रा के वकील सलील कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ऐसे तर्क आपने दिए कि हाईकोर्ट ने जमानत दे दी? देखिए, ऐसा है, अभी हम लोगों ने जजमेंट नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने जजमेंट ओपन कोर्ट में सुना है कि आशीष मिश्रा की बेल ग्रांट हो गई है। तो जो सब आर्गुमेंट हम लोगों ने एडवांस किए थे उस आधार पे आप सवाल करिए। वो उसमें क्या ऐसा आर्गुमेंट, वही मैंने सवाल किया था कि क्या ऐसे आर्गुमेंट थे जिसकी वजह से जमानत मंजूर हुई, कौन से ऐसे एविडेंस थे? ऐसा है कि 192 इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो कि दंगल में मौजूद थे, उन लोगों ने इस बात का एफिडेविट दिया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही वॉज प्रेजेंट इन दंगल सेरेमनी एंड एट द प्लेस ऑफ अकरेंस ही वॉज नॉट प्रेजेंट। लेकिन जो SIT थी उसने कहा कि आशीष मिश्रा वहां पे घटना स्थल पे मौजूद थे, फायरिंग करते हुए भागे, गन्ने के खेत से भागे, ये तमाम तर्क आशीष SIT ने दिया। 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। हम ये कह रहे हैं कि गन्ने के खेत थे तो जो नक्शा नजरी SIT ने या पुलिस ने फाइल किया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने फाइल किया, उसमें वहां पे गन्ना खेत है ही नहीं उनकी रिपोर्ट में, तो कहां गन्ना खेत में भाग गए?
आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे? नहीं थे, वहां मौजूद ही नहीं थे। ये तो हमारा केस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। एफआईआर में जो लिखा है, एफआईआर में उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा ने फायर आर्म वीपन यूज किया। तो जो फायर आर्म वीपन यूज किया गया, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो जो आठ लोग मरे उसमें फायर आर्म वीपन की कोई चोट किसी आठ लोगों में से किसी को नहीं है। तो अगर हमने यूज किया होता, उन्होंने कहा इन्होंने यूज किया, इन्होंने जो है गुरविंदर सिंह नाम के आदमी को मार के गोली लगी और वो मर गया। तो जब गोली लगी ही नहीं तो मर कैसे गया? तो आशीष मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जीप में बैठे थे और उनके प्रोवोक करने पे जो पुलिस ने जो धाराएं बदली उसमें कहा गया कि एक सोची समझी साजिश थी, हत्या थी। किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा है। जो एसआईटी की चार्जशीट आई है और जो भी उसमें एविडेंस दाखिल की है, किसी विटनेस ने ये बात नहीं कही है कि आशीष मिश्रा ने प्रोवोक किया। प्रोवोकेशन की या एबेटमेंट की कोई एविडेंस चार्जशीट में नहीं है। इसलिए ये पूरा केस ऑन द फेस ऑफ इट इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट एनी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।